हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम, शिब्बू की किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जिसे हम डागोल फिश फ्राई कहते हैं। तो इस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स लगेंगे वो हम आपको लाइन वाइज बताएंगे, तो हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहे। हमने यहाँ पर ली है डागोल फिश, जिसको हम पहले नमक ला कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन लगाएंगे चॉप किया हुआ, आधे लीमू का रस, हाफ टी स्पून हल्दी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये स्पेशल फिश का ही होता है मसाला, कोकोन साइड में बनाया जाता है इसे। इसमें ऑलरेडी खड़े मसाले होते हैं पहले से, ये स्पेशल फिश के लिए ही बनाया जाता है मसाला। इसमें फिश फ्राई जो है बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम स्वादिष्ट सी लगती है। सारे मसाले जो है हमने अच्छी तरीके से लगा लिए हैं फिश को। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने फूड ऑयल ऐड किया है। फिश को भी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट होके, अब हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। बिस्मिल्ला। तो गाइस, हमने फ्राई को जो है 10 से 15 मिनट एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गाइस, हमने फिश को जो मसाला लगाया था रेड चिल्ली पाउडर, ये बहुत ही स्पेशल होता है फिश के लिए, इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, फिश जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को जो है वो ऑफ करेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो लीजिए गाइस, कोकन स्टाइल में फिश फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।